कैसा लगा ब्लॉग में आके तुमको आज? ये देखो सब लोग एक से एक कला, एक बार मुंह बना दो आंखी वाला। और इसका जो एक्टिंग है वो बहुत जबरदस्त है। केकड़ा का डांस करके दिखाओ। ये देखो। तो फिर से हम लोग जा रहे हैं किसके साथ? चिल्लर पार्टी के साथ पिकनिक मनाने के लिए। कहाँ लेके जा रहे हैं भैया हमको? समर्थ को आज बैठा रखा है, समर्थ बताएगा। हाँ। तो बताओ राजमहल कहाँ जा रहे हैं प्राची? तो ये सब जितने जिले पार्टी है हमको लेके जा रही है राजमहल घुमाने के लिए। और थोड़ा निहारिका का काम है मार्केट में, तो देखते हैं सिंघई की, सिंघई नाम है ना गाँव का, सिंघाई मतलब सिंघई तो सीधा चाइना में पड़ता है, तो सिंघाई सिंघाई वाली की थोड़ी मार्केट देखते हैं और उसके बाद देखते हैं राजमहल। उस राजमहल में बताते हैं रानी की मूर्ति इटली से आ रखी है, बताते हैं रानी की मूर्ति भी इटली से आ रखी है। तो राजमहल देखेंगे, चिल्लर पार्टी हमको घुमाएगी। अभी दिन में धूप काफ़ी है लेकिन क्या करें, उनको घुमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इसलिए। हाँ फिर क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, हम लोग शाम को निकलेंगे लखनऊ। तो यही है कि यहाँ पे हम उनको पहले घुमा देते हैं, उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद लखनऊ निकलेंगे। तो ये स्कूल कौन सा है? स्कूल नहीं है, ये बन रहा है वो क्या बन रहा है, पार्क। ये यहाँ पे एक पार्क बन रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा ग्राउंड है, मेला मैदान, मेला मैदान, सिंघाई का मेला मैदान। हाँ। तो यहाँ से अंदर वो राजमहल है, पहले हम लोग मार्केट जा रहे हैं ना? नहीं पहले राजमहल चलिए। राजमहल जाएंगे? हाँ। तो पहले हम राजमहल जा रहे हैं। तो ये सामने है गेट राजमहल का। आप देखें ना वो सामने किला टाइप का, ये मंदिर है ना यार? हाँ, ये काली मंदिर, ये काली का मंदिर है। और ये राजा की मूर्ति, तो यहाँ पर राजा की मूर्ति थी, तो ये राजा जी की मूर्ति की बंदूक बंदूक लोग लेके चले गए, मतलब पहले सब कुछ था, राजा की तलवार होती है। और आप जितने ये मंदिर देख रहे हैं ना, इस सब पूरे मंदिर के टॉप में पूरा सोना और चांदी लगा हुआ था, जिसे भी लोग सुरा के लेके हैं। चिल्लर पार्टी दो और आ गए हैं देखो सामने से, ये भी साइकिल चलाते हुए। तो आए दोस्त हैं ये लोग, पहचानते हो समझ? ये नीतू दीदी के साथ अपने मोहल्ले के नहीं है। हाँ, तो ये चिल्लर पार्टी सब लोग ऐसे ही दिन में घूमते थे तो हमको घुमाए। तो ये सामने है राजमहल, ये गाड़ी पूरी वहीं तक लेके? हाँ, क्यों नहीं, वहाँ तक ले जाइए। तो ठीक है, तो राजमहल के चारों ओर मैदान है, बीच में देखिए ये रानी की क्या है मूर्ति, सूरत कुमारी रानी, ये भारतीय सांस्कृतिक निधि है। तो सामने मेरे ठीक पीछे है वो काली मंदिर, और इधर सामने ये सारे सब्सक्राइबर भी हैं चिल्लर की पार्टी जितनी भी है। कौन कौन सा वीडियो देखा तुमने आज तक? हैं है बिना आज्ञा प्रवेश से लिखा हुआ है। किले के बारे में बताओ तो सही, घुमाने ला रखे हो जी? बताओ किले के बारे में। बताओ किले के बारे में, बताओ सही कुछ, बताओ अपने बारे में। हाँ तो किले के बारे में बताओ, घुमाने लायक को यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, और यहाँ पे शादी भी होती है, शादी भी होती है इसमें किले में जी। अच्छा, घूमने भी आते हैं लोग। तुम बताओ, तुम तो बच्चों ने देखा है किला? हाँ देखा तो है, हवा अच्छी चल रही है, यहाँ से धूप तो है लेकिन ना अंदर पूरी वो पहले वो थी ना, बहुत सारे पेड़ लगे हैं। आज हम किले के अंदर भी जाएंगे, खुला होगा तभी तो जाएंगे, वरना कैसे जाएंगे? तो फिर पैसे किस बात के? वही तो। ठीक है चलो किले के अंदर चलते हैं, कुत्ते वहाँ मुझका आए बगैर टिकट के, कुत्ते अंदर घूम रहे। तो यहाँ की एक खासियत मैं ये देख रहा हूँ ना, यहाँ पे चीड़ के पेड़ लगे हुए हैं, जैसे हमारे भी पहाड़ों पे लगते हैं ना, सेम वो चीड़ के पेड़ एक यहाँ पे लगा हुआ है, कुछ दो तीन वहाँ पे लगे हुए हैं। तो मतलब ये चीड़ के पेड़ न जाने यहाँ कैसे आए और कैसे इस एनवायरनमेंट पे लग गए,
वो थोड़ी मतलब आश्चर्य की बात है, क्योंकि इसके ऊपर ना थोड़े ठीठे होते हैं, वो सब कुछ लगे हुए हैं सामने ऊपर जो है। तो फिर कैसा लगा ब्लॉग में आके तुमको आज? ये देखो सब लोग एक से एक कलाकार हैं, ये पूरे अपना वो कर रहा है। अरे तो अरे वो फट जाएगी। हाँ एक कलाकार वो है, देखो सारे चिल्लर पार्टी देखो कैसी है ये इनके। और इसकी एक खासियत है देखो, इसकी हमारी उंगली पे ना तीन निशान होते हैं, इसकी उंगली में ना चार निशान है, 1 1 2 3 4 ये। और जो एक और उंगली है ना सही, ये इन दोनों उंगलियों में इसके 1 2 3 4 वाले निशान है। मुंह बना दो आंखी वाला। और इसका जो एक्टिंग है वो बहुत जबरदस्त है। केकड़ा का डांस करके दिखाओ, ये देखो केकड़ा डांस करके दिखा रहा है। आवाज आवाज ये नमन मतलब ये समझ में को आवाज ऐसे निकाल लेता है। तो सब के अंदर अपना तुम भी दिखाओ कुछ कलाकारी। मैंने दिखाया तो दिस। हाँ ये तो लड़कियाँ तो फरमारी बचाए बच्चों से वो करवा रही। नहीं ये तो पूरा पलट के चल देती है। दिखाओ पलट के चल, दिखाओ। वो तो कोई हम भी कर लेते हैं। श्रवण जोशी एक फिल्म में करता है ना। हाँ तो मैं भी कर लेता हूँ। ये जो ना ये लोग है ये देखो ये अपने गुरु को हराने की कोशिश कर रहे। ये भी कोई कलाकार। ये सब के सब कुछ ना कुछ कलाकार है। और समझ तुमको और इसके अलावा कुछ आता है? और ये महाशय इन सब के गुरु मैं हूँ। हाँ। इन सब की गुरु मैं हूँ, मैंने सिखाया सबको। अच्छा इन सब की गुरु है। मुझे तो लगता है कि ये दोनों दीदी इन सब की गुरु है। मैंने तुम्हें पीछे कितना लगा है। चलो वाले मंदिर घूमने चल रहे हैं, ठीक है? ऐसे तो राजमहल है, इसमें हम लोग को क्या अंदर एंट्री नहीं है, इसमें बिल्कुल बाहर से ऐसे करके फोटो खिंचा लो और अगर चारों ओर देख लो। इसके जो मालिक वालिक रहते होंगे बाहर रहते होंगे कहीं, ऐसा कुछ है। सामने उधर रानी की मूर्ति लगी हुई है, राजा जी गेट पे बैठे हुए, रानी बीचों बीच बैठी हुई है। और यहाँ पर एक ये फाउंटेन लगा हुआ जो चल नहीं रहा है, बस ये काफ़ी खूबसूरत है। इसके पीछे लॉन है जहाँ आप शादी अपनी बुक कर सकते हैं, पीछे जो है तभी आपके मे भी ये आपको ये कमरे मिलते होंगे देने के लिए, मतलब सबसे रेंट पे मिलते होंगे। तो शादी होती है वहाँ पर डीजे जे लगा हुआ है, ऐसा कुछ है वहाँ पर। और ये अभी थोड़ा घास आस ज़्यादा बड़ी हुई है, अभी कट जाएगी तो ये और अच्छा लगेगा। फूल वूल लेकिन काफ़ी अच्छे लगे हुए। तो जो हम बोल रहे थे ना, जो मैंने लॉन बता रहा था, इधर पर डीजे लगता है या कुछ, मतलब दूल्हा दुल्हन अपना वो जो होता है जयमाला वगैरह उसके ऊपर होती है। और ऐसे इसका नज़ारा है देखिए, यहाँ से यूँ वो देखो वो वहाँ उसके अंदर वो ऐसे कोई गुफा है ऐसे घूमी हुई। तो ये ऐसा ये पूरा का पूरा नज़ारा है, बहुत काफ़ी खूबसूरत। इस साइड में इसमें कहीं फार्म है, इस साइड कुछ खेती वेती वगैरह हुई है। मतलब ये जो पूरा है ये पूरा राजमहल ही है। अभी क्या है कि ये पहले बड़ा हुआ होता होगा ना, तो इसकी दीवारें देखिए वो वहाँ तक बनी हुई है। ये ऐसी पूरी दीवारें को जहाँ कि आपको किले का आपको दिखाई दे रही है दीवारें पूरी वहाँ तक। तो ये चिल्लर पार्टी है ना बहुत दुष्ट। हाँ तो सुरंग के अंदर ऐसे घुस जा रहे हैं। तो ये ऊपर देखो, ऊपर का नज़ारा काफ़ी ऊपर, हम लोग ऊपर तो जा सकते थे, निहारी का वहाँ सीढ़ी बनी थी अगर अंदर ही में। अब तो ऊपर जाने का बाहर से नहीं है। हाँ अगर ड्रोन होता तो इसका सूट काफ़ी अच्छा आता। ये आ गया घोड़ा दौड़ते हुए, देखो राजा का घोड़ा दौड़ते हुए आ रहा है ये स्पीड में। ये राजमहल में चला गया, देखो ये चला गया महल के अंदर राजा का घोड़ा, ये अपने अस्तबल में जाते हुए। और ये है राजमहल, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो उस महल के ठीक सामने है ये काली माता का मंदिर जो है काफ़ी फेमस। तो यहाँ पे ना इसलिए बार एक बच्चे को तो ये ने काट दिया था, ये
इसका बताते हैं कि इसके जो चारों ओर के गुम्बद है ना, तो सब सोने से लदे हुए थे, लोग चुरा के ले गए। यहाँ पे तो घंटा कितना बड़ा लगा हुआ है ये इस मंदिर में। पाँव तो ऐसे जल रहे हैं कदम से। ये है काली माता का मंदिर, काफी खूबसूरत है। इसमें क्या ना, ये शेर के कान में बोलना है और आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो ये लोग पता नहीं क्या मांगने में लगे हुए हैं, उसके घंटे की मुराद लिस्ट लंबी है। बीडीएस कॉन्सर्ट बोल रहा है, मुझे पता नहीं ये नहीं वीडियो वाली नहीं बोली। क्या बोला? हां बताएंगे। नहीं तो तुम क्या मांग रही हो? और क्या बता, तुमने कुछ ही मांगा? माता की जय। हमारे पास सब कुछ। तो भाई चिल्लर पार्टी कैसा लगा? बहुत बढ़िया। मजा आया? जी। अभी हम लोग मार्केट में निहारिका अपना सूट ले रही है जो सिलाने के लिए दिया था उसने, तो उसे सही करवा रही है। तो चिल्लर पार्टी पूरी बैठी हुई है। तो फिर क्या करना है? आप इस चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। तुम लोग भी ज्यादा शेयर करोगे ना, आपको बढ़िया लगेगी। बढ़िया ही लगेगा क्या? ये ब्लॉग कैसा लगा होगा? हाँ, ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना, ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और आदि ब्लॉग को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड।